नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। आशुतोष गोवारिकर एक ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें ऐतिहासिक फिल्में बनाने में महारत हासिल है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बावजूद इसके जब भी कोई फिल्म बनाते हैं विवादों में जरूर आती है। उनकी पुरानी फिल्म की यदि हम बात करें तो जोधा अकबर एक ऐसी फिल्म थी जो आज तक राजस्थान में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। कारण था विरोध और तथ्यों को गलत तरीके से प्रदर्शित करना। वहीं एक फिल्म और उन्होंने बनाई है पानीपत, जिसे लेकर अफगानिस्तान से लगाकर राजस्थान तक विवादों की आग बढ़ गई है। विवाद किस तरह के? पहले अफगानिस्तान सरकार ने इस पर विरोध जताया था कि अब्दुल शाह अब्दाली जो हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में एक योद्धा के तौर पर देखा जाता है, उन्हें इस फिल्म में नकारात्मक किरदार में लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके इस विरोध ने ज्यादा हवा या ज्यादा आग नहीं पकड़ी। अब हुआ क्या कि विरोध की आग राजस्थान में आकर ठहर गई है। राजस्थान में इस फिल्म को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फिल्म तो मराठाओं और पेशवाओं को लेकर है, अफगानिस्तान के जो योद्धा हैं अब्दाली उनसे युद्ध हुआ है। बावजूद इसके राजस्थान के एक ऐसे वीर का नाम फिल्म में है जिसे राजस्थान के लोग बहुत अदब के साथ लेते हैं। फिल्म में उन्हें लालची और सत्ता के लिए स्वार्थी दिखाया गया है और यही कारण है कि सूरजमल जैसे योद्धा को फिल्म में लाने और उनका गलत चरित्र चित्रण करने को लेकर राजस्थान के लोग भड़क उठे हैं। राजस्थान के भरतपुर के महाराजा सूरजमल, जिन्होंने जाट समाज का प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके चरित्र को इस तरह से पेश करने पर तमाम सारे लोग वहाँ भड़क उठे हैं। राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं और सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज हैं विश्वेंद्र सिंह। उन्होंने कहा है कि किसी के भी चरित्र को प्रदर्शित करने से पहले फिल्मकारों को उनके परिवार से जानकारी लेनी चाहिए, परिवार से उनके बारे में पूछना चाहिए, किताबों में देखना चाहिए और उसके बाद ही अपनी फिल्मों में शामिल करना चाहिए। इसके लिए चाहे तो सरकार एक कमेटी गठित करे जो इस तरह की चीज़ों को एकत्रित करने वाले निर्देशकों को सलाह दे और साथ ही साथ उनकी इन गतिविधियों पर नज़र भी रखे। इसके अलावा भी कई बड़े लोग हैं जो भड़के हैं और उन्होंने भी इस चीज़ से लेकर आपत्ति जताई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जाट समुदाय से आती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे ने भी इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सम्माननीय हस्ती के बारे में बताने से पहले क्रॉस चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, इसके बाद ही उनके बारे में जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए। वहीं राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने कहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने से या इस फिल्म के चलने से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने फिल्म के विवादित अंश को हटाने की या फिर उन्हें फिर से फिल्माने की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को, साथ ही फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसून जोशी को कि वे इस फिल्म के विवादित अंश को देखें और उन्हें या तो हटवाएं या फिर बदलवाएं। इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने आशुतोष गोवारिकर का विरोध किया है। राजस्थान के कई जिलों में आशुतोष गोवारिकर के पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, साथ ही फिल्म को रोकने की भी मांग की गई है। अब इस प्रदर्शन को लेकर या इस विवाद को लेकर फिल्म के जो निर्माता हैं आशुतोष गोवारिकर, उनकी तरफ से क्या बयान आता है और वे अपनी क्या सफाई देते हैं, ये अभी सामने नहीं आया है, यानी ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके आशुतोष गोवारिकर की फिल्म का विरोध राजस्थान में होना जिस तरह से पहले एक चलन सा बन गया था, एक बार फिर वही देखने को मिला। अब देखना होगा कि आशुतोष गोवारिकर अपने इस आरोप के ऊपर क्या सफाई देते हैं और क्या वाकई राजस्थान में फिल्म जोधा अकबर की तरह बैन होती है या फिर विवादों से निकलकर पानीपत भी राजस्थान में उसी तरह प्रदर्शन करती है जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में हो रहा है। आप तक जैसी भी कोई खबर होगी हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।